हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। बेसिकली ये वैकेंसी जॉब वाला नहीं है, ये वैकेंसी है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाला। यानी कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि ऑटोकैड का ट्रेनिंग कहाँ से करें। अगर सर्वे वाले हैं तो ऑटोकैड आज के डेट में उनके लिए मैंडेटरी होता है। माइनिंग वाले हैं, अगर आप ऑटोकैड कर लेते हैं तो आपका अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर ऑटोकैड का आप एक्सपीरियंस या नॉलेज दिखाते हैं तो आपका ज्यादातर चांस है कि आपको प्राइवेट में जॉब हो जाए। इसी तरह से कुछ कुछ और भी प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर रिलेटेड, अगर वो आप सीख लेते हैं तो एक तो स्किल हो जाएगा आपके पास, उसके बाद कहीं ना कहीं आपका काम आने वाला है। और आईटीआई ट्रेड वाले हैं तो उनके लिए भी बहुत सारा इसमें अपॉर्चुनिटीज है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं। तो ऐसे ही एक कंपनी है SCCL, यानी द सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड। इसमें ऐसी वैकेंसी निकली रहती है जनरली स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाला, तो अभी भी निकला हुआ है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो फ्यूचर में आने वाला है उसके लिए भी आप इन फ्यूचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जब भी वैकेंसी आए आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन भेजा जाए। तो आप इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले आपको एक वेबसाइट ओपन करना है, तो इसके लिए आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखना है SCCL अप्रेंटिस, लिख के आपको सर्च करना है। पहला नंबर पे जो आएगा यहाँ पे क्लिक है सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड SCCLmy.com, सब डोमेन में अप्रेंटिस, तो इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे देखिएगा आ रहा होगा, तो आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया जाएगा। पहला तो अभी जो निकला हुआ है उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो निकला हुआ है उसके लिए आप 30 अप्रैल 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक्सटेंड हुआ है और ये आगे भी एक्सटेंड होगा, क्योंकि देखिए 15 मार्च से एक्सटेंड होते होते 30 अप्रैल आया है और अभी एप्लीकेशन ज़्यादा आया नहीं है, तो इसीलिए और भी ज़्यादा एक्सटेंड होगा। मान के चलिए कि मई का 10-12 तारीख तक भी ये एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा निकला हुआ है मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपके काम का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं काम का है बाबू जिसका काम का है उसको फॉरवर्ड जरूर करना। हो सकता है आपका एक फॉरवर्ड एक शेयर उनका करियर बना दे या करियर में ग्रोथ लाए। सोलर टेक्नीशियन, ड्रोन टेक्नीशियन, कंप्यूटर एंड DTP, इसके लिए अलग से कोर्स करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, तो ये फ्री में आप कर सकते हैं। आर्क एंड गैस वेल्डिंग, कॉस्मेटोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेल फोन टेक्नीशियन, टू व्हीलर मैकेनिक, ये सब बहुत सारा निकला हुआ है। आप माइनिंग वाले हैं तो आपके काम का क्या है मैं बताता हूँ। आपके काम का है इसमें से कुछ कुछ चीज, जैसे अगर आप सर्वे के बच्चे हैं तो आपको ऑटो कैड करना पड़ता है ट्रेनिंग। ऑटो कैड का यहाँ पे आपका फ्री का ट्रेनिंग हो जाएगा, फ्री का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हो जाएगा। ये प्रपोज टू भी है, यानी कि आने वाला है 38 कोर्सेज प्रपोज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनके लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ऑटो कैड वाला ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कौन सा आपके लिए एलिजिबल हो सकता है तो आप देखेंगे, तो बेसिकली बहुत सारा है लेकिन माइनिंग वालों के लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ। तो ऑटो कैड वाले, DTP वाले, कंप्यूटर ट्रेनिंग वाले, है ना, ऐसा कुछ कुछ चीज़ है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसको आप सीख सकते हैं, कभी ना कभी आपके फ्यूचर में काम आएगा। बाकी अगर बाकी की बात करें ITI वालों को, तो बहुत सारा है, ड्रोन टेक्नीशियन, सोलर टेक्नीशियन, EV मैकेनिक्स, प्लम्बर का कोर्स है, FCN रिफोरेस्टेशन कोर्स है, कॉस्मेटोलॉजी ब्यूटिशियन कोर्स है, एम्ब्रॉयडरी कोर्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर ट्रेनिंग, हाइड्रोलिक सोवल ट्रेनिंग। हाइड्रोलिक सोवल का जो ट्रेनिंग है ये भी माइनिंग वालों के लिए काम आने वाला है। अगर आप HEMM ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो हाइड्रोलिक सोवल का ट्रेनिंग आप कर सकते हो। हाइड्रोलिक सोवल बेसिकली चलाने, मेंटेन करने, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे चलाने का भी सिखाया जाएगा, तो साथ ही साथ HEMM का लाइसेंस बनने में आपका आसान हो जाएगा, हो सकता है कि उसी से बन जाए, तो ये भी आपको एक फायदा मिलने वाला है। ऑटोकैड का ट्रेनिंग है यहाँ पे, गैस आर्क वेल्डिंग वाला, ITI वाले बहुत सारे हैं इसमें, अगर आप चाहें तो पाउच करके देख सकते हैं आपका है कि नहीं, है ना। चल तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ शॉर्ट में। तो यहाँ पे जैसे आपको सबसे पहले तो इस पेज को ओपन किए थे, फिर यहाँ पे क्लिक किए थे तो फिर ये पेज ओपन हुआ था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे सेंटर है, इसमें से मैं कोई भी सेंटर को चूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कोट कार्ड गोदाम चूज किया हूँ। ट्रेनिंग में किस में ट्रेनिंग करना है तो मैं ऑटो केयर ट्रेनिंग यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपको अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड का नंबर, ये सब बेसिक चीज़ें आपको डालना है। एम्प्लॉयमेंट अगर है, कहीं एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डालना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आधार कार्ड अपलोड करना है, फोटो भी साइन अपलोड करना है, एक साथ फोटो और सिग्नेचर दोनों एक ही पेज में होना चाहिए सैंपल। और यहाँ पे प्लेस लिख के आपको इसको सबमिट कर देना है। इसके साथ क्या होगा, आपको बेसिकली जब भी आपको ऐसा ये वाला वैकेंसी आएगा तब भी आपको पहले तो इसमें क्या है कि फर्स्ट कम फर्स्ट गेट बेसिस, मतलब पहले आओ पहले पाओ बेसिस, आप पहले अप्लाई कर देंगे एडवांस में तो जब भी निकलेगा तो पहले आपको चांसेस मिलेगा। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है आपके काम का होगा। अगर आपके काम का नहीं है मेरे भाई तो जिसके काम का है उसको जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। इतने दिनों से देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, जैसे वीडियो को ओपन करते हैं ओपन करते साथ लाइक कर दिया कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।
कीप सपोर्टिंग टिल दैट जय हिंद।